रेवाड़ी के अहीर कॉलेज में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद राव तुलाराम की स्मृति में राव तुलाराम मेमोरियल राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंधन समिति के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक राव यादवेंद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रतियोगिता में 12 विभिन्न कॉलेज की टीमों ने भाग लिया। प्रतिभागी टीमों ने भाषण, निबंध, लोकगीत के अलावा अनेक सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेताओं को ट्रॉफी तथा अन्य सभी विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। भाती इस साल भी अहीर कॉलेज और RBS कॉलेज ऑफ एजुकेशन रेवाड़ी दोनों संयुक्त रूप से राव तुलाराम जी के ऊपर उनके जीवन संघर्ष एवं बलिदान के विषय पर भाषण प्रतियोगिता, कविता पाठ और लोकगीत प्रदेश स्तरीय कंपटीशन आयोजित करते हैं, जो हर साल इसी 23 सितंबर से पहले कभी 20 सितंबर को या 21 सितंबर को हम मनाते हैं, जो हमारे कॉलेजेस का प्रोग्राम है। और स्टेट लेवल का जो फंक्शन होता है वो 23 सितंबर को अपने अलग से सरकार, हरियाणा सरकार मनाती है। हम कॉलेज में मना रहे हैं वो 21 सितंबर हर वर्ष मनाया जाता है। इसमें पूरे राज्य से टीमें आती हैं, सभी कॉलेज से हिस्सा लेती हैं। इस वर्ष 12 कॉलेज की टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें एक रनिंग ट्रॉफी राव तुलाराम जी के नाम पर रखी गई है। कोई भी जो बाहर की टीम है जिसके तीनों कैंडिडेट संयुक्त रूप से विजेता होंगे उनको एक ट्रॉफी दी जाएगी, और उपविजेता होगा उसको नेक्स्ट जो टीम होगी उसको सेकेंड जो उपविजेता की ट्रॉफी दी जाएगी, जो हर साल हम आयोजित करते हैं उसी के संदर्भ में ये फंक्शन आयोजित किया जा रहा है। जो प्रतियोगिता होती है इसके पीछे मोटो तो ये है कि उनका जो परिचय है वो आने वाले पीढ़ी का, तो क्या उसका मोटो रहेगा? हमारे कॉलेज में तो सभी युवा लोग हिस्सा ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये बताना कि केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ देशभक्ति और वीरों से कुछ सीखें। तो ये जो वीर हमारे दक्षिणी हरियाणा के और हरियाणा के भी विशेष तौर से अपनी युवा अवस्था में ही उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, संघर्ष के काम किए, और जिनका बलिदान हुआ अपनी युवा अवस्था में 38 ईयर्स के अंदर ही उनका बलिदान हो गया था। तो लोग, हमारे बच्चों को ये शिक्षा मिले कि हमें भी आगे चल करके देश के लिए कुछ करना है, इसी विषय पर आयोजित की जाती है। और हमारी प्रबंध समिति के जो चेयरमैन है राव यादवेंद्र सिंह, आज वो इस समारोह के मुख्य अतिथि है। हर वर्ष हम किसी भी डिग्निटरीज को यहाँ पर बुलाते हैं, वो हमारे समारोह के मुख्य अतिथि होते हैं, उनके हाथों से हम पारितोषिक वितरण करवाते हैं।